वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टाइल एंड स्ट्राइक। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन इन अ बेस्ट वे। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम फाउंडेशन किस तरह से लगा सकते हैं अपने फेस पर और कुछ टिप्स देने वाली हूँ आपको मैं आज। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम फाउंडेशन लगाते क्यों हैं। फाउंडेशन हम लगाते हैं अपनी स्किन को इवन टोन करने के लिए या फिर अपनी इम्परफेक्शंस को हाइड आउट करने के लिए हम फाउंडेशन का यूज करते हैं। और फाउंडेशन यूज करते हुए हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम बहुत ज्यादा फाउंडेशन ले लेते हैं जिससे कि हमारा फेस बहुत केकी लगता है, या फिर बहुत कम फाउंडेशन लेते हैं जिससे कि इम्परफेक्शंस नहीं छुपती, या फिर हम रॉन्ग शेड ले लेते हैं फाउंडेशन का तो उससे भी हमारा फाउंडेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो हम क्या करते हैं कि हम अपनी फिंगर्स को यूज कर लेते हैं फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए। तो फिंगर्स से क्या होता है कि आपका एक तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, दूसरा ब्लेंड नहीं होता प्रोडक्ट बिल्कुल भी और रह जाती है और इम्परफेक्शन छुपती नहीं है, बिल्कुल भी कवरेज नहीं देता वो। बेस्ट वे है फाउंडेशन अप्लाई करने का कि आप कोई ब्रशेज यूज कीजिए या फिर आप स्पॉन्ज यूज कीजिए फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए। सो फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आपको जरूरी है कि मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए और प्राइमर अप्लाई कीजिए या फिर SPF भी अप्लाई करना है आपको अगर आपके फाउंडेशन में SPF नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपना फेस वॉश करना है। मैंने फेस वॉश कर लिया है यहाँ पे, अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। सेकंड स्टेप है आपको मॉइस्चराइजर लगाना है तो मैं निविया का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ या फिर आप SPF भी यूज कर सकते हैं अगर आपके फाउंडेशन में SPF नहीं है। स्टेप है प्राइमर का, सो आपको प्राइमर भी जरूर अप्लाई करना है जिससे कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा, आपका मेकअप टिका रहेगा लंबे समय तक और एक स्मूथ सरफेस मिल जाएगा आपको जिसपे आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। यूज करना है आपको फाउंडेशन, यहाँ मैं ड्रीम सेटिन ले रही हूँ मेबलिन का और ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने अपने हैंड पे फाउंडेशन ले लिया है, तो आपको इसे अप्लाई करना है अपने फेस पे डॉट डॉट करके। ध्यान रहे कि आप अपने नेक पे भी जरूर अप्लाई करें और ईयर्स पे भी अप्लाई करना है आपको। इस तरह से अप्लाई करने के बाद आप इसमें इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप फाउंडेशन ब्रशेस भी यूज कर सकते हैं या फिर आप स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा हाई कवरेज चाहिए तो आप फ्लैट फाउंडेशन ब्रश यूज कर सकते हैं, ये इस तरह तरीके का होता है देखिए। और आपको अगर लाइट कवरेज चाहिए तो आप स्टिपलिंग ब्रश यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी बफिंग ब्रश यूज कर सकते हैं या फिर आप इस तरह का ओवल ब्रश भी यूज कर सकते हैं। और इस स्टिपलिंग ब्रश से आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं अपने फाउंडेशन को, बहुत नेचुरल लुक देता है ये। और इस स्पॉन्ज से भी आप बहुत इजीली ब्लेंड कर सकते हैं फाउंडेशन को, ये भी बहुत नेचुरल लुक देता है। और इसको आपको वेट करना पड़ता है, पूरा स्क्वीज करना पड़ता है वाटर इसके अंदर से, इसके बाद ही आप इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला ब्रश यूज कर रही हूँ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश। आपको इसको इस तरह से नीचे की ओर यूज करना है, अपने हेयर जो आपकी डायरेक्शन है हेयर की उस तरह से आपको यूज करना है इसे।
आपको ये हेयर लाइन पे भी यूज करना है इस तरह से, ताकि काफी नेचुरल लगे। और आप इस तरह का स्टिपलिंग ब्रश भी यूज कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, और इसे राउंड मूवमेंट में आपको यूज करना है ब्लेंड करने के लिए। और अगर आप ब्रश यूज नहीं करना चाहते तो आप इस तरह का स्पॉन्ज यूज कर सकते हैं। इसे वेट किया हुआ है मैंने और स्क्वीज कर दिया है वाटर, तो इस तरह से आपको डैब करना है। अगर आपके इम्परफेक्शंस आपको छुपाने हैं तो डैब मूवमेंट करते हुए आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से नीचे की तरफ इसे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है। अगर आपको फिर भी लगता है कोई इम्परफेक्शन है जो कि अभी भी नजर आ रही है, तो आप और फाउंडेशन लेके उस पर फाउंडेशन अप्लाई करके इस स्पॉन्ज को यूज कर सकते हैं, वेट स्पॉन्ज को, और आपको सिर्फ डैप करना है ताकि वो अच्छे से छुप जाए। बहुत अच्छे से ये कवरेज देता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इस स्पॉन्ज को यूज करना। अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने भी है तो भी आपको इसे डैब मूवमेंट में यूज करना है, आपको इस तरह से नीचे की तरफ यूज नहीं करना, आपको डैब करना है ताकि एक्ने आपका बिल्कुल हाइड हो जाए। रहेगी आपको नोज की साइड पे और आपके लिप्स की साइड पे भी अप्लाई करना है, यहाँ पे बहुत अच्छे से इस तरह से ब्लेंड करना है। अगर आपके लिप्स डार्क हैं तो आपको लिप्स पे भी फाउंडेशन अप्लाई करना है, ताकि जो लिपस्टिक का शेड है वो बहुत अच्छे से आपके लिप्स पे आ जाए। स्टेप है आपके फाउंडेशन को सेट करना, तो यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट लूंगी अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए, और मैं यूज करूंगी ये वेट स्पॉन्ज ही इसे अप्लाई करने के लिए। सो इस तरह से आपको लेना है और आपको अपना फाउंडेशन सेट करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है, और आपको कॉम्पैक्ट जरूर अप्लाई करना है अपने टी जोन पे, ताकि आपकी स्किन जो है वो ऑयली ना लगे थोड़ी देर के बाद। सो आपको बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट से अपना फाउंडेशन को सेट कर लीजिए। अब मेरा फाउंडेशन बिल्कुल सेट हो चुका है और रेडी है मेरा फेस मेकअप के लिए। अब मैं इसके बाद अपना मेकअप कंप्लीट कर लूंगी। और ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको मैंने बताया कि आप किस तरह से अपना फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ वेज जिससे कि आप अपना फाउंडेशन लगा सकते हैं, और कुछ टिप्स थी जो कि अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।